दोस्तों, आउटर स्पेस में बहुत सारी मिस्ट्रीज भरी हुई हैं, जिसमें से अभी हम लोग 0.0001% भी अनरिवील नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 ऐसे फैक्ट लेके आया हूँ आउटर स्पेस के, जो कि आपको ना ही किताबों में मिलेंगे और ना ही कोई जल्द ही ये फैक्ट आपको बताएगा। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज फॉर एवर। आज मैं आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। पहले इसमें सिर्फ मीटोरॉइड्स थे, लेकिन फिर कई कोलिजन्स, गैस एक्सप्लोजन और कंडेंसेशन के बाद हमारे प्लैनेट बनना स्टार्ट हुए। मीटोरॉक से बने मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और गैस से बने जुपिटर, सैटर्न, यूरनस और नेपट्यून। सेकेंड, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की चकाचौंध कर देने वाली ऑरोरा लाइट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये लाइट असल में सोलर विंड्स हैं, जो सन की सरफेस से आती हैं। थर्ड, प्लूटो एक छोटा प्लैनेट है, लेकिन इस पर भी माउंटेन्स, वॉलकैनोज जैसे लैंड मैसेस है। लेकिन जहां धरती के वॉलकैनोज में से जलता फुलकता लावा निकलता है, वहीं प्लूटो के वॉलकैनोज में से जमी हुई बर्फ निकलती है। इन प्लूटोज के वॉलकैनोज में पानी अंडर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बाहर निकलते समय यह बर्फ का रूप ले लेता है। फोर्थ, सैटर्न के मून लैपिटस ने साइंटिस्ट को मोह के जाल में काफ़ी लपेट के रखा है, बिकॉज ऑफ अ यूनिक फीचर, क्योंकि सोलर सिस्टम में इकलौता ऐसा मून है जो कि दो कलर का है। लैपिटस आधा एरिया डार्क कलर का है और आधा लाइट कलर का है। फिफ्थ, हमारे महासागर इतने बड़े हैं कि इसमें हमारे दुनिया के सारे लोग समा जाएंगे और तब भी जगह बच जाएगी। लेकिन जुपिटर पे एक ऐसा महासागर है जिसमें हमारी पूरी धरती समा जाएगी, लेकिन फिर भी जगह बच जाएगी। और ये महासागर पानी, गैस या मिट्टी से नहीं भरा, बल्कि ये भरा है प्योर मेटेलिक हाइड्रोजन से। सिक्स्थ, हमारे धरती में पानी के अंदर और भी कई कई जगहों पे वॉलकैनोज हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉलकैनो मार्स पे है। ओलंपस मॉन्स नाम के इस वॉलकैनो का बेस US के स्टेट एरिजोना से चौड़ा है और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। सेवन्थ, हमारे गैलेक्सी में एक ऐसा प्लैनेट भी है जिसमें कांचों की बारिश होती है। उस प्लैनेट का नाम है HD189773B, जहाँ 4300 माइल्स पर आवर की स्पीड से बारिश होती है। एट, प्लूटो एक छोटा प्लैनेट है, लेकिन इसका ऑर्बिट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इनफैक्ट, प्लूटो का ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसके ऑर्बिट में 20 लेयर्स हैं, सारी की सारी सुपर कोल्ड और कॉन्डेंस। नाइन्थ, सन हमारे मून से 400 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमारा मून सन के मुकाबले धरती से 400 गुना ज़्यादा पास है। और इसी कुदरत के ज्योमेट्रिकल करिश्मे के कारण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स पॉसिबल हो पाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मून के ऑर्बिट को कंटिन्यूसली चेंज होने के कारण 50 मिलियन सालों बाद सोलर एक्लिप्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 10th, न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही छोटे स्टार होते हैं, लेकिन ये स्टार बहुत ही वॉलेटाइड हैं और अपनी एक्सिस के अराउंड बहुत तेज़ी से स्पिन करते हैं। इनफैक्ट, कई न्यूट्रॉन स्टार 1 सेकंड में अपनी एक्सिस के अराउंड 600 चक्कर लगा लेते हैं। क्यों, दिमाग चकराया ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि औरों को भी ये नॉलेज मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट करना, ताकि आपको मेरी आने वाली और भी नई इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।